आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंगलवार को जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक साथ समीक्षा बैठक कर जिले के पोलिंग बूथ की सुरक्षा व्यवस्थाओं और वल्नरेबल व क्रिटिकल बूथ की पहचान करने संबंधी विषय पर समीक्षा बैठक की। जिले में 2018 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3109 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होनी है, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से सैकड़ों बूथ वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ की कैटेगरी में आते हैं। मंगलवार को इन्हीं बूथ को लेकर जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी एक साथ बैठे और कई जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। बैठक में वल्नरेबल व क्रिटिकल बूथ कैटेगरी में बूथ जोड़ने और घटाने पर भी चर्चा हुई। जल्द ही इस पर निर्णय लेने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की ज्वाइंट मीटिंग्स अब आने वाले समय। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग के सहायक आयुक्त व डायरेक्टर ने इंदौर व भोपाल में अधिकारियों को कई जरूरी जिला निर्देश जारी किए हैं, जिनमें इन बूथ सुरक्षा संबंधी निर्णय लेने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को साथ ही जल्द ही बैठकर समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए थे। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक उन्हीं निर्देशों का परिणाम रही। इंदौर से शैलेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप में आज हम लोग पुलिस विभाग के साथ में बैठ के क्रिटिकल और वल्नरेबल जो हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान है उसमें हम इन सब चीज़ों का अपडेशन कर सकें और समय रहते हम हमारे जो भी इस प्रकार के मतदान केंद्र जो क्रिटिकल की परिभाषा में आते हैं या वल्नरेबल की परिभाषा में आते हैं उनके लिए ना सिर्फ उनका चिन्हांकन कर सकें और उनके लिए सम्यक व्यवस्था कर सकें, ताकि हम बिना किसी व्यवधान के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सकते हैं।